हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में एमएस वर्ड 2013 की डिज़ाइन टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एमएस वर्ड 2013 का ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे होम और इंसर्ट टाइप के बारे में हमने पहले ही वीडियो डिस्कस करके प्लेलिस्ट में रख दिए हैं, तो उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एमएस वर्ड 2013 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर ये सारी वीडियोज आपको एमएस वर्ड 2013 से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो चलिए आज डिज़ाइन टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन टाइप में डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ पैसेज होना चाहिए जिस पे हम वर्क कर सकें, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया। मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है ये कि तीन लाइन की तीन पैसेज मुझे चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो ये हमारे पास आ गए हैं। अब इफेक्ट देखने के लिए पहले मैं कोई पेज कलर ले लेता हूँ, जिसे मैंने ये पेज कलर सेट कर लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे डिज़ाइन टाइप में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो हमें मिल जाता है वो होता है थीम्स का। थीम्स में क्या है कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का सेट, कलर का सेट, सारा एक सेट होता है। जो थीम आप सेट करोगे वो थीम का कलर, वो उस तरीके का फॉन्ट, सारा चेंज आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका थीम का ऑप्शन। जैसा कोई भी आप देख रहे हैं, जिस थीम पर आप लेकर के जाते हैं उस तरह का कलर, उस तरह का फॉन्ट सब आपको चेंज मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स में अवेलेबल हैं, थीम्स जो यहाँ पे सेट हैं, स्टाइल्स, उनको भी क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं। जब आप उस पर जाते हैं तो देखते हैं उस तरह का चेंज आपको दिखाई पड़ता है। आपको जैसी आवश्यकता हो उस तरह का आप सेट यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद है, अगर आप सिर्फ जैसे थीम में क्या है कि फॉन्ट, कलर्स, सारी चीज़ें एक साथ जो हैं चेंज हो जाती हैं, अगर आप सिर्फ कलर चेंज करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट का, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको सिर्फ कलर चेंज कर देना है। तो यहाँ कलर पर जा करके आप, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, जिस कलर पे आप सेलेक्ट करोगे उस तरह का कलर आपका सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी फॉन्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये हो गया आपका कलर्स का ऑप्शन। यहाँ से आप देखेंगे कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद है फॉन्ट्स का ऑप्शन। जैसे अगर आप सिर्फ फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, आप कलर में कुछ चेंज नहीं डालना चाहते, तो उसके लिए आप जैसा यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करोगे उस तरह का फॉन्ट आपको आपके डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। तो ये हो गया चेंज फॉन्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में कई तरह के स्पेस हैं, जैसे नो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के बीच में दूसरे पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस ना हो, नो पैराग्राफ स्पेस। एक है कॉम्पैक्ट का ऑप्शन, इसमें कुछ सिलेक्टेड स्पेस मिल जाएगा आपको। एक टाइट करके यहाँ पे स्टाइल है तो इस तरह का इतना स्पेस मिल जाएगा। ओपन में और थोड़ा ज़्यादा है, रिलैक्स में इस तरह का कुछ है। तो अलग अलग मॉडल्स यहाँ पे, स्टाइल्स अवेलेबल हैं स्पेस के। जैसा स्पेस आपको आवश्यकता है उस तरह का स्पेस आप ला सकते हो, या तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन, उस पर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दोगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफेक्ट। तो इफेक्ट देखने के लिए हमारे पास कोई सेप होना चाहिए। तो सेप के बारे में मैंने इंसर्ट टाइप में आपको पढ़ाया था, यहाँ से सेप आप इंसर्ट कर सकते हो कोई भी। जैसे मैं एक सेप यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, ये सेप मैंने इंसर्ट कर लिया। अब फिर से हम डिज़ाइन टाइप में आते हैं। डिज़ाइन टाइप में हम देखेंगे यहाँ पर हमको मिल जाएंगे इफेक्ट। इफेक्ट पे आप जब जाओगे तो देखोगे कि आपके जो सेप आपने इंसर्ट कर रखा है उस पर कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है। अलग अलग इफेक्ट्स में जाने पे कुछ इफेक्ट में उसमें बदलाव होते हैं। तो ये होता है आपका इफेक्ट का ऑप्शन। अगर आपको इसकी कहीं आवश्यकता होती है डॉक्यूमेंट में, तो आप इसका यूज करके डॉक्यूमेंट को अपने एक बढ़िया सा लुक दे सकते हो, बढ़िया डॉक्यूमेंट बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके सारे सेटिंग्स जो आपने छेड़े हैं, जो सेटिंग्स आपने चेंज किए हों, सारी चीज़ें आप सेट एज डिफॉल्ट कर दोगे तो सब सेट एज डिफॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, जैसा मार्कशीट आपके पास बोर्ड की मार्कशीट होगी तो उसमें नीचे, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड का अगर आपका है तो वहाँ पे नीचे यूपी बोर्ड का लोगो छपा होगा या उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो छपा होगा। कुछ ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें नीचे कुछ गवर्नमेंट के लोगो छपे होते हैं, तो वो जो छपे होते हैं उनको वाटरमार्क कहते हैं। तो जिस तरह का वाटरमार्क आपको चाहिए, यहाँ पर कुछ स्टाइल्स हैं, इनको पहले आप सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ा सा जिसमें दिख रहा हो या सीधा, जैसे सीधा दिख रहा है तो उसको सिलेक्ट करिए। तो ये देख रहे हैं आप वाटरमार्क नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी लिखा है कॉन्फिडेंटल, तो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी कुछ भी इसमें लिख सकते हो। तो इसके लिए आप कस्टम वाटरमार्क करना है। कस्टम वाटरमार्क में जा करके आप जो चाहें वो चीज़ वहाँ पर लिख सकते हैं। नो वाटरमार्क अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वाटरमार्क नहीं रहेगा। पिक्चर वाटरमार्क सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से पिक्चर आपको जा करके सेलेक्ट करना है और वो पिक्चर आपका ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क है, टेक्स्ट वाटरमार्क में जा करके आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ माय पैशन टेक्नोलॉजी, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ PASSION टेक्नोलॉजी,
माय पैशन टेक्नोलॉजी लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से फॉन्ट, आप जैसा फॉन्ट लगाना चाहो वैसा फॉन्ट लगा सकते हो, और साइज यहाँ पे बढ़ा कर सकते हो छोटा बड़ा। उसके बाद आपको कलर लगा देना है, ताकि कलर आप जब लगा दोगे तो थोड़ा सा इफेक्ट जो है उसका अच्छा दिखाई देगा। तो जैसे मैं यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा, तो जो मेरा वाटर मार्क है देखेंगे आप ब्लू कलर का सेट हो गया। अगर आप दूसरा कोई कलर लगाते हो, जैसे मैं रेड लगा देता हूँ, अप्लाई कर दिया, तो रेड कलर का वाटर मार्क नीचे दिखाई दे रहा है आपको। आप मेरे डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं माय पैशन टेक्नोलॉजी का वाटर मार्क लग गया है। तो ये होता है आपका वाटर मार्क। नेक्स्ट है पेज कलर। तो पेज कलर में जा करके आप जैसा पेज कलर चाहें उस तरह का पेज कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नो कलर कर देंगे यहाँ से, तो जो कलर आपने सेलेक्ट कर रखा है वो कलर हट जाएगा, सिंपल सा पेज आ जाएगा। यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट किया, उसके बाद अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो नो कलर कर दिया, तो ये हो जाता है पेज कलर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद बॉर्डर एंड शेडिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग। तो बॉर्डर क्या होता है, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। तो जैसे किसी भी पैराग्राफ पे, जिस पैराग्राफ पे हम वर्क कर रहे होंगे, जैसे मैं इसे कट कर दूंगा और इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गया बॉर्डर में जा करके, मैं जैसा बॉर्डर यहाँ पे लगा दूंगा वैसा बॉर्डर लग जाए। जैसे मैं 3D बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर मेरे उस पैराग्राफ पे लग गया है। और पेज बॉर्डर क्या होता है, ये पेज पे अप्लाई होता है। जैसे मैं पेज बॉर्डर, शैडो वाला पेज बॉर्डर लगा दूंगा और ये होल डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कंडीशन, कई तरह के कंडीशन अवेलेबल हैं कि आप होल डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हो, या सिर्फ इसी सेक्शन पे लगाना चाहते हो, या इस सेक्शन के फर्स्ट पेज ओनली पे लगाना चाहते हो, या ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। तो कई तरह की कंडीशन है, जैसा कंडीशन आप देना चाहो वैसा दे सकते हो। होल डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, तो आप देखोगे होल डॉक्यूमेंट पे एक शैडो वाला जो पेज बॉर्डर होता है वो अप्लाई हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है शेडिंग का ऑप्शन। यहाँ पे शेडिंग में कलर्स होते हैं, तो कोई भी कलर जैसा आप लगाना चाहो शेडिंग का वैसा आप लगा दोगे। आपको प्रीव्यू यहाँ पे मिल रहा है, ओके करोगे तो उस पैराग्राफ पे आपका जो है अप्लाई हो जाता है शेडिंग। यहाँ पे शेडिंग में आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा कि पैराग्राफ पे ये अप्लाई होगा, तो जिस पैराग्राफ पे आप सेट करोगे वो पैराग्राफ आपका शेडिंग हो जाएगा। अगर आप यहाँ इसको हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपको नो कलर यहाँ से सेलेक्ट करना है, बॉर्डर में आना है, डन कर देना है, और इस बॉर्डर में भी आकर के यहाँ से भी डन कर देना, ओके कर देना है। सब चीज़ें अब हट जाएंगी। यहाँ से भी अगर हटाना चाहते हो आप, तो ये हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, इसको भी डन कर देंगे, ये भी हट गया। तो ये होता है आपका एमएस वर्ड 2013 का डिजाइन टैब। डिजाइन टैब 2010 में अवेलेबल नहीं था। जो ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ये ऑप्शंस पेज लेआउट टैब में मिल जाते थे हमको। तो ये आपका नया टैब था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सारा ऑप्शंस क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।